अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के खंडक पर स्थित खंडक चौराहा पर है और यहाँ खंडक पर शेरे नव युवक दल के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता विकास मालिया जी यहाँ पे उपस्थित है, मुझसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है सर, बताएं। हर साल यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा का जो ये माहौल है भक्तिमय होता है और इसमें हम लोग प्रसाद वितरण हलवा करते थे, लेकिन उसको हम लोग अच्छे दिन से चेंज करके अब इसको भंडारा में लाए, जिससे कुछ आदमी का जो मार्केट में घूम रहे हैं भूखे प्यासे खाना अच्छा नहीं मिला, कुछ आदमी नहीं, भारी संख्या में लोगों का हुजूम मार पड़ा, ये हमेशा की तरह वृद्धि में ही जाते रहता है। पहले हम लोग 5,000 का करते थे, इस बार 10,000 आदमी का इंतजार है। एक संस्था है शेरे नव युवक दल और यहाँ पे जितने जनता लोग हैं आपस में जिनका जो सहयोग होता है वो लोग सारे सहयोग करते हैं और सबके सहयोग से ये होता है। आपके जो भंडारा में देखा जा रहा है कई मुस्लिम तबके के लोग भी है, वो भी भंडारा, हम लोग आज तक कोई जाति धर्म जैसे आपको बता देना चाहते हैं, हम लोग जैसे मूर्ति का भी जो काम करवाए हैं उसके पीछे जाइएगा तो आप साथ देखिएगा, वो यहाँ का डोम जाति जिससे हम लोग छुआछूत मानते हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किए। मुसलमान लोग यहाँ पे ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह से रहते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कौन हिंदू कौन मुसलमान। यहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय से भी आरजेडी के वो भी नेता है राजा अंसारी, वो भी भंडारा का वितरण कर रहे थे यहाँ पे, हम जानना चाहेंगे क्या बोले आप भंडारा का वितरण कर रहे हैं। हर साल नवरात्रा में हर साल यहाँ पे भंडारा लगता है, देखिए यहाँ पे हर मुस्लिम हिंदू सब एकजुटता, हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू इन्हें सबका त्यौहार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग मिलजुल के हर साल इस तरह भंडारा चलाते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं रवि गुप्ता शेरे नव युवक जागरण दल के बिहार से, सभी को पहले नवरात्रा की बधाई देना चाहता हूँ, पूरे जिले वासियों को और खास के सभी जिला वासी जिले में मीडिया कर्मी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे हर कार्य को आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर सबको एक अच्छा संदेश देने में हमें मदद किए हैं आप लोग। और यहाँ ज्यादातर लोग जो भी है मेले में घूमने वाले सभी लोग, वो लोग आके आज मेले में घूमने के बाद थकने के बाद या मेले में घूमने के पश्चात वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद रूप में पूरी सब्जी और हलवा के रूप में प्रसाद ग्रहण करेंगे और माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे, भक्तिमय माहौल बना रहे, पूरे जिले वासी एक अच्छे माहौल में मेले में को एंजॉय करें, एंजॉय के साथ पूरे जिए और ये जो प्रसाद का जो हम आयोजन हो रहा है, ये भंडारे का आयोजन है, ये पूरे मोहल्ले वासी के सहयोग से हमारे कुछ जैसे हमारे भाई हमारे जो पूर्व वक्ता ने भी बताया होगा कि जे इन्होंने ये भी अपना एक मुस्लिम समुदाय से, लेकिन इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सहयोग दिया है, हम उनके मिलजुल के सहयोग से ही ये सारा कार्यक्रम होता है और सफल हर साल सफल रहा है। आने वाले सभी साल में भी हम लोग मिलजुल के छठ में और भी कई त्यौहार में मिलजुल के एकजुटता का परिचय देते हुए ये हम अपना कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम प्रशांत कुमार है। कुछ हो रहा है, काफी संख्या में लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे भंडारा लगा है और ये मैं पहली बार सम्मिलित हुआ हूँ इस भंडारे में और बहुत अच्छा फील हो रहा है और इस हर साल इसी तरीके से हर साल सम्मिलित होंगे हम लोग और एकजुटता देखकर धर्म समुदाय छोड़कर एकजुटता देखकर काफी अच्छा फील हो रहा है और एक अलग से ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। बस यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? विष्णु कुमार। क्या कुछ चल रहा है भंडारा में? ये शेरे नव युवक जागरण दल के और शेरे नव युवक दल के ओर से भंडारा का आयोजन पिछले कई सालों से होता आ रहा है। ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों को कि मेला में घूमने आने वाले सारे श्रद्धालुओं को थोड़ा सा प्रसाद के रूप में भोजन कराने की एक छोटी सी प्रयास है और ये हमारे समाज के द्वारा हमारे मोहल्ले वासियों के द्वारा संभव हो रहा है और हर साल हो रहा है, इसका मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। सामाजिकता का परिचय है इसमें, सारे समाज सारे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें ऐसे लोगों का भी सहयोग है जो शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है, अपने रोजगार की वजह से, व्यवसाय की वजह से मौजूद नहीं है, कहीं बाहर है और उनका भी सहयोग काल आता है। ये एक सामाजिकता का परिचय है जिसमें हम लोग एक भंडारा का आयोजन करते हैं जिससे एक समाज कल्याण हो सके, लोगों को कुछ खिलाया पिलाया जा सके, यही व्यवस्था है और हम आगे भी चाहेंगे हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी लोग जो आएंगे वो इस व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे।